सो हाय गाइस, आज हमारे पास है MI A3। आज मैं आपको इस वीडियो में इस फ़ोन के कुछ फीचर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, या फिर आप कह सकते हो मैं इस वीडियो में आपको कुछ हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जो इस फ़ोन को कस्टमाइज़ करने में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले पर जाना है। डिस्प्ले पर यहाँ पर डार्क थीम का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसे इनेबल करते हो तो सिस्टम वाइज आप इसमें डार्क थीम इनेबल कर सकते हो, जो कि बैटरी कंजप्शन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकंड थिंग ये कि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हो, होम सेटिंग में जाते हो, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डॉट ऑन या ऑफ कर सकते हो आप, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी यहीं पे दिया हुआ है, ब्लिंक लाइट अगर आप ऑन करते हो तो आपको जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो जो यहाँ पे LED नोटिफिकेशन लाइट दी हुई है वो इनेबल हो जाएगी और ब्लिंक करेगी। अलाउ नोटिफिकेशन डॉट में ये होता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास में रहता है तो आपके जो डॉट है वो आपको नोटिफिकेशन से शो करेगा। चलते हैं आप सेटिंग में। सेटिंग में कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप नेटवर्क एंड वाईफाई में जाते हो तो डेटा, यहाँ पे वाईफाई में अगर आप जाते हो तो वाईफाई में ये इसमें जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली। तो आपके पास में कोई वाईफाई होगा, पब्लिक वाईफाई जो भी होगा, तो उसके बाद में आपका डिवाइस उससे कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है उस केस में जब आपके पास डेटा कम है और आपको कंज्यूम करना है डेटा। और यहाँ पर ये भी ऑप्शन दिया हुआ ओपन नेटवर्क नोटिफिकेशन का, तो इसमें ये होता है कि जैसे आपके पास में हाई क्वालिटी नेटवर्क होगा तो वो पहले आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि यहाँ पे हाई क्वालिटी नेटवर्क है, आप इसको इनेबल कर लीजिए और डिसेबल कर लीजिए जो भी होगा। जो अगर आप हॉटस्पॉट में जाते हो तो हॉटस्पॉट में एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि ये है टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली। तो इसे ऑन ऑफ करने के बाद में ये होगा कि अगर आपका हॉटस्पॉट ऑन है, सारी रात तक ऑन रहता है तो गलत है, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। जैसे आपका हॉटस्पॉट किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं होगा, तो आपका फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली आपका वाईफाई जो है उसे बंद कर देगा, हॉटस्पॉट को बंद कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इवन यहाँ पे आप बैंड भी चेंज कर सकते हो, जो कि 2.4 GHz या 5 GHz जो भी दिया हुआ है यहाँ पे। और आगे चलने के बाद में यहाँ पे एडवांस में मोबाइल प्लान का फीचर दिया हुआ है, जो कि कभी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। और अब चलते हैं पीछे। तो कनेक्टेड डिवाइस में ब्लूटूथ वगैरह, फिर जो कास्ट स्क्रीन का फीचर होता है जो स्टॉक एंड्रॉयड में आता है, वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और अब चलें ऐप एंड नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन सा नोटिफिकेशन इनेबल है और कौन कौन सा नोटिफिकेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। कितना टाइम आपने इस ऐप में स्पेंड किया है, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और आगे चलें यहाँ पे बैटरी में, तो बैटरी में भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं। एडेप्टिव बैटरी ऑन रखने के बाद में ये होगा कि आपकी जो बैटरी है वो बहुत कम खर्च होगी, मतलब ज़्यादा खर्च नहीं होगी। इसको ऑन करने के बाद आपकी बैटरी समझने लगी कि कहाँ कहाँ कितना परसेंट यूज़ करना है। और बैटरी परसेंटेज ऑन करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे बैटरी परसेंटेज ऑन करेगा, बैटरी परसेंटेज ऑन करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो करेगा। और ज़्यादा कोई फीचर्स यहाँ पे दिए हुए नहीं है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड में थोड़े कम फीचर आते हैं। अगर डिस्प्ले में चलते हो आप, नाइट लाइट का फीचर दिया हुआ है, इसे आप इनेबल कर सकते हो। इसमें स्क्रीन आपकी येलोइश हो जाएगी, जो कि आपके आँखों को मतलब आराम देगा। एडप्टिव ब्राइटनेस का फीचर यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसे इनेबल करने के बाद में ब्राइटनेस का कैलिब्रेशन ये सेलेक्ट करने लगेगा और ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा कि कितनी ब्राइटनेस रहनी चाहिए। बोलो पर आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हो। यहाँ पर स्लीप का ऑप्शन दिया हुआ है, 1 मिनट की जगह आप 30 सेकंड रख सकते हो। और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जो भी आपको अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट स्टाइल चाहिए। डिस्प्ले साइज़ भी वन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले साइज़ बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर होता है अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है उस समय। एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर दिया हुआ है, इसे ऑन करने बाद में हो गया, जैसे आपके पास में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप जैसे फ़ोन को उठाओगे तो आपको वो नोटिफिकेशन शो कर जाएगा कि आपके पास में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। डिवाइस थीम का फीचर दिया हुआ है, जो कि ऑटोमेटिकली वॉल बेस्ड होता है या फिर डार्क मोड इनेबल कर सकते हो। साउंड में चलें तो साउंड में ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, वाइब्रेशन के लिए आप इसे इनेबल कर सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब का मोड काफ़ी कमाल का है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कॉन्टेक्ट का आपको फ़ोन चाहिए या नहीं चाहिए, कौन से कॉन्टेक्ट का आपके पास में फ़ोन आना चाहिए, तब आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा या फिर कॉल शो करेगा, ऐसे आपका फ़ोन वाइब्रेट नहीं करेगा। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं टच वाइब्रेशन टच साउंड का, तो अगर आप इन्हें इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कर सकते हो, ऑफ़ करना चाहते हो तो ऑफ़ कर सकते हो। स्टोरेज में यहाँ पे ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन दिया हुआ और यहाँ पे फ्री ऑफ स्पेस का ऑप्शन है, तो आप जो भी स्टोरेज फ्री करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और स्मार्ट स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो इससे ये होता है कि आपका फ़ोन में जो भी डेटा बैकअप हो जाएगा गूगल की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली आपका गूगल जो भी फ़ोन है वो आपका डेटा डिलीट कर देगा। अगर सिक्योरिटी एंड लोकेशन में जाते हो तो आपको गूगल प्ले प्रोटेक्ट आपको इनेबल रखना है। यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन दिया हुआ है और फिंगरप्रिंट ऑफ फेस अनलॉक आप इनेबल कर सकते हो। स्मार्ट लॉक का फीचर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी कमाल का, अगर आप घर पर रहते हो तो आप यहाँ पर जो लोकेशन है, ट्रस्टेड लोकेशन है, वो आप इनेबल कर सकते हो।
और उसके बाद में ये होगा कि आपका जब भी आप घर पे आते हो तो आपका फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है। और अगर आप चलें और कुछ फ़ीचर्स के बारे में यहाँ पे, तो यहाँ पे एडवांस में जाने के बाद में ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। स्क्रीन पिनिंग का फीचर काफ़ी कमाल का, अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो आपके जो भी बच्चों को अगर आप फ़ोन देते हो तो कोई गेमिंग वगैरह पे फ़ोन लगा के देते हो बच्चों को, तो वहाँ पे वही फ़ोन अटका रहेगा, बच्चे उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। और इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अगेन चलते हैं पीछे, यहाँ पर अकाउंट्स के बारे में आपको सबको बताया कि अकाउंट वगैरह आप ऐड कर सकते हो। एसेसिबिलिटी में कुछ फ़ीचर्स दिए हुए हैं जो कि काफ़ी सही हैं। कलर करेक्शन का फीचर दिया हुआ है जो कि कलर के मतलब यहाँ पे कलर्स का टून है वो चेंज हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर। कलर इन्वर्जन का फीचर दिया हुआ है जो कि मतलब आपका फ़ोन है वो ब्लैक एंड वाइट मोड में कर देगा। और रिमूव एनिमेशन का फीचर दिया हुआ है जो कि आपके फ़ोन में जो भी एनिमेशन होंगे उनको रिमूव कर देगा और काफ़ी हद तक आपका फ़ोन फास्ट काम करने लगेगा। और कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है जो कि काफ़ी कमाल का, पावर एंड टू कॉल। अगर आपके पास में कोई फ़ोन आता है अगर आप डायरेक्टली उसे कट करना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको पावर बटन प्रेस करना होगा और उसके बाद में एंड कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही फीचर है। डिजिटल वेलबिंग का फीचर दिया हुआ है, इसमें आपको बता देगा कि आपने कितनी बार फ़ोन को अनलॉक किया है, कौन कौन सा फ़ोन, कौन कौन सा गेम खेला है, कौन कौन सी चीज़ें आपने खेली है, सारी चीज़ आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। डैशबोर्ड का फीचर दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको शो करेगा सारी चीज़। विंड डाउन मोड काफ़ी कमाल का है, विंड डाउन मोड को अगर आप ऑन करते हो तो इसमें आपके जो बेड टाइम होगा 10 बजे आपका फ़ोन स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका फ़ोन अब यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ये भी काफ़ी सही फीचर है। और सिस्टम में गेस्चर का मोड दिया हुआ है जिसमें जंप टू कैमरा मोड दिया हुआ है, मतलब अगर आप 2 बार पावर बटन प्रेस करते हो तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो ज़्यादा कोई खास कोई फीचर्स नहीं है इसमें क्योंकि कस्टमाइजेशन बहुत कम आता है, इसलिए यही फीचर दिया हुआ है। और मल्टीपल यूज़र का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप गेस्ट किसी और को फ़ोन देना चाहते हो तो गेस्ट मोड इनेबल करके या फिर कोई और फ़ोन कोई और मोड यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसमें स्टॉक एंड्रॉइड में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर होता है। नेटवर्क में अगर आप मान लीजिए नेटवर्क वगैरह ब्लूटूथ वगैरह काम नहीं कर रहे हैं तो रीसेट ऑप्शन में जाके आप वाईफाई नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क रीसेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी हद तक वर्क करेंगे इसको रीसेट करने में। अगर आप यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाते हैं तो अबाउट फ़ोन में अगर आप यहाँ पे बिल्ड नंबर पे 5 बार क्लिक करते हैं तो आपको डेवलपर का ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे पिन नंबर दर्ज करना है, और यहाँ पे उसके बाद में आपको एक डेवलपर का ऑप्शन सिस्टम्स में मिल जाएगा, उसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कितनी मेमोरी आपको ली गई है, कितनी मेमोरी नहीं ली गई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।